हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन एकेडमी। लेट्स क्रैक डीट यूजी। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज का जो हमारा सेशन है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स डिस्कस करूंगी। छोटा सा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना, एज इट इज़ वही लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए जस्ट आउटलाइन मैंने डिस्कस की थी सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। मैंने बताया था दो स्टेप्स के अंदर होता है, दैट इज द अनजिपिंग या अनवाइंडिंग एंड सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन हम अपने आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। ऑल ऑफ यू गाइज रेडी? हाँ जी, टेस्ट के बारे में भी मैं बता देती हूँ। जी बिल्कुल, 13th को आपका टेस्ट होगा। मॉर्निंग 7:30 टेस्ट होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक मैं आज शेयर कर दूंगी। आई विल मेक इट श्योर कि आज मैं टेलीग्राम पर उसका लिंक शेयर कर दूं तो आप सब लोग उसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर लो गाइस, सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। फटाफट से आ जाइए, जल्दी से आइए, सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। जल्दी जल्दी आओ भाई। इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको फटाफट से इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूं। अगर आप मेरी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के अंदर, मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर मेरे साथ कनेक्ट, सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं, मेरे से कनेक्ट होकर मेरे मेंटरशिप के अंदर आप चाहते हैं मेरे साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में आए, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पर हम काम करें, और एक मतलब एक वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ अगर आप अपनी इस नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ इंडिया के 50 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनसे आप, उनके साथ पढ़कर, जिसके साथ भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच होता हो, अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव सेशंस मिलेंगे, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज होगा, और मैंने बताया जिन 50 से भी ज़्यादा एडुकेटर्स के बारे में, सारे के सारे, सबसे बड़ा फीचर है हमारे इस प्लेटफॉर्म का कि एक सब्सक्रिप्शन से जितने भी एडुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं सब आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। मर्जी आए जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे, जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या होगा, सिंपल से स्टेप है, प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाकर आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होता है। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने प्लस सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप नीट यूजी भरेंगे। सब्सक्रिप्शन में एक प्लस सब्सक्रिप्शन है बेटा, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, आप दोनों ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वाया यूजिंग माई कोड, जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे अगर, तो 1, 3, 6, 12 and 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है, उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, उतना ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। तो यू कैन गो फॉर 2021 वाले 6 मंथ पर भी जा सकते हैं, 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। 11th क्लास के लिए, जो अभी 11th में आए, उनके लिए नए बैचेस शुरू हुए हैं, जिनका टारगेट ईयर कुल मिला के नीट 2022 है, जिसका सिर्फ एक सेशन हुआ है कल नए बैच के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका टारगेट ईयर नीट 2021 है, उनके नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ही क्लासेस उनको रिकॉर्डेड देखनी है, बाकी लाइव चल रहा है, मतलब 7-8 क्लासेस ही रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी। तो वो वाला बैच भी इज गोइंग ऑन 2021 वाला, तो फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्राइस जो आपको यहाँ शो हो रही है, 10% डिस्काउंट के बाद, उसके लिए कंडीशन है, ये 28,000 का है, ये 38,000 का है और ये 56,000 का है। आप बेटा जब प्रोसीड टू पे करने से पहले ना, आपको एक कोड अप्लाई करना होता है, जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे शिवानी, तो आपको फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो पे आपको इतना ही करना है, 25, 34 and 50,000, ठीक है? तो ये कब मिलेगा, जब आप शिवानी कोड अप्लाई करेंगे। शिवानी कोड को अप्लाई करने के कई सारे फायदे हैं। और पहला फायदा जो आपको तुरंत नजर आएगा, आपकी फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट। प्लस इस कोड को अप्लाई करने से आपको मैं थ्रू आउट द ईयर आपकी नीट की जर्नी में मेंटर करने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ।
यहाँ पर मैं लिखाती हूँ, प्लस पर भी ऐसे ही सेशंस चलते हैं तो आपको क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन मेरे खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। आपको DPPs मिलती हैं, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, उनका एनालिसिस डिस्कशन हम लोग करते हैं। इसके अलावा सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं आपको मेंटर करती हूँ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ के साथ यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर 80s। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, बैक पोर्शन कैसे कवर करें, आपको कोई चिंता नहीं करनी थी, आपका शेड्यूल तक मैं डिसाइड करके देती हूँ। प्लस डेली बेसिस पर आपको टारगेट्स दिए जाते हैं और टाइमली उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है मेरे द्वारा। लेकिन ये सिर्फ तब मिलेंगे ये सारे फीचर्स जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज शिवानी, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे तो सब्सक्रिप्शन सारी डिटेल मैंने दे दी है, फिर भी अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर 9549406721। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर विच इज ओनली एंड ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज। इसके अलावा कोई भी डाउट यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर सब्सक्रिप्शन ले लें आप मेरा कोड अप्लाई करके, तो 10% डिस्काउंट के अलावा जो एडिशनल फीचर्स मैंने आपको बताया, जो एडिशनल बेनिफिट्स बताए, उनके लिए लेट मी टॉक हियर वंस, फिर मैं आपको एक दूसरा नंबर प्रोवाइड करती हूँ और वहाँ से अपने ग्रुप में जोड़ लेती हूँ, और आपको 10% डिस्काउंट के अलावा जो सारे बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ भाई एक काम ज़रूर कर लो, unacademy.com @shivani1990 पर मुझे फॉलो करें। यहाँ पर मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसके लिंक वैसे मैं, जैसे मैंने भी आपको बताया 13th को 7:30 जेनेटिक्स का टेस्ट होगा आपका, वैसे इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो मेरा, ठीक। चलिए इट्स इज अबाउट दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। चिंता मत करो, आई एम सो सॉरी बच्चों, सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स पढ़ेंगे हम। एक मिनट बच्चा, जस्ट गिव मी वाटर, देन वी विल स्टार्ट। एज इट इज NCERT की लाइन्स हैं आपकी, अब ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। आपको पता है दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अगर आप डबल एक टिपिकल मैमेलियन सेल के अंदर DNA की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, तो आप टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को इनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लगभग 2.2 मीटर है। यानी कि कुल मिला के आपका जो DNA है, एक मैमेलियन सेल के अंदर जो DNA है, इतने बेस पेयर है, टोटल बेस पेयर से इन दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा, जो लगभग 2.2 मीटर होता है। तो इतना लंबा है, इतना बड़ा है आपका DNA। तो इतना बड़ा DNA कितना छोटू सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर कैसे फिट आएगा? तो देखो, द लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको इस DNA को पैक करना है, तो इतना बड़ा DNA दैट इज 2.2 मीटर, द डायमेंशन ऑफ द DNA इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। तो फिर इतना बड़ा DNA आप इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे डालेंगे, तो इसी के बारे में हम आज अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। तो DNA, अब DNA पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है और यूकैरियोट्स में कैसे होती है, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। चिंता मत कीजिए बेटा, मैं एक एक वर्ड आपको लिखवा दूंगी, पहले सुन लो, समझ लो, देन आई एम गोइंग टू कम विद द राइटिंग सेक्शन ऑल्सो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो ये कह रहा है कि DNA जो है
प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होता है। आपने एक चीज तो देखा होगा, आई ऑल्सो हाफ कर्ली हेयर, ये तो कभी मतलब ये स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं और मतलब ट्रीटमेंट करवा लेते हैं अपने हेयर्स का, तो वो थोड़ा सा ऐसा, आई ऑल्सो मतलब बहुत ज्यादा कर्ली तो नहीं, बट यस आई ऑल्सो हैव अ कर्ली हेयर्स। तो आपने देखा होगा, कुछ गर्ल्स शायद रिलेट कर पाए, जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स कुछ इस तरीके से होंगे। जब आप उन्हें स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, तो आपके बालों की जो नॉर्मल लेंथ, अगर शोल्डर लेंथ है, तो वो शोल्डर से थोड़ा नीचे तक आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाल अभी कर्ल था, बाल लंबा है, लेकिन वो कर्ली की वजह से छोटा दिख रहा है। जब आप उसकी स्ट्रेटनिंग करेंगे या स्मूथनिंग करवाते हैं, तो आपके बालों की लेंथ एकदम से नहीं बढ़ जाती केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, कर्ली हेयर्स जिनके होते हैं। तो ऐसे ही डीएनए का, अब डीएनए का लेंथ तो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, और उतना बड़े डीएनए को हमें उस न्यूक्लियस के अंदर ही पैक करना है। तो पहले मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूं। प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एज ए सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होता है। डीएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इन सुपर कॉइल स्टेट। अब ये जो कॉइलिंग है, इसको मेंटेन कौन करता है? कुछ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक पॉलीअमीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, दैट इज द पॉलीअमीन्स, ये इसकी सुपर कॉइल स्टेट को, सुपर कॉइलिंग को डीएनए की मेंटेन रखते हैं, जिससे कि कॉइलिंग खुल ना जाए। ठीक है, दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसे हम कहते हैं, ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसे कहा जाता है न्यूक्लियॉइड, या फिर कहिए जीनोफो। ये समझ, इतना लिख लो पहले बस। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, सॉरी, एक सेकेंड में चेक कर लूं भाई, आवाज आवाज तो सब क्लियर आ रही है ना? यस, हाँ जी, तो सुनिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, ऑलरेडी पता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर कितना है? एवरीबडी इन द क्लास फटाफट बोलो, कितना डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर? इट इज 0.34 नैनोमीटर ना। अब आपको अगर टोटल लेंथ निकालना है डीएनए का, तो इसको टोटल अमाउंट ऑफ बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पॉइंट मतलब 0.34 इंटू 10^-9, ये मतलब लगभग 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग आता है। कितने? 6.6 इंटू 10^9 बेस पेयर होता है। पहले इसको आपने नैनोमीटर ना, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कर दो, 10^-9 कर दोगे, फिर इसको 6.6 इंटू 10^9, लगभग इतने टोटल बेस पेयर होते हैं। तो कुल मिला के जब आप इसको कंटिन्यू करोगे, तो जो टोटल लेंथ होगी बेटा डीएनए की, ये लगभग आपकी 2.2 मीटर होगी। यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डीएनए, ये बहुत ज्यादा है। इट इज फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। इट इज फॉर ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। तो फिर इतना बड़ा डीएनए, न्यूक्लियस का साइज तो इतना है नहीं, तो उसमें न्यूक्लियस में, इतने छोटू से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए जाएगा कैसे? तो चलो इसकी हम बात करते हैं। हम डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में अलग देखेंगे, और यूकैरियोट्स में कैसा होता है ये अलग से देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर बात की जाए बेटा, तो हमने बात की कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है बेटा प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन सुपर कॉइल स्टेट। ठीक है, सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होता है। और सुपर कॉइलिंग को मेंटेन कौन करता है, द सुपर कॉइलिंग, इट इज मेंटेन बाय, इसको मेंटेन करता है नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक पॉलीएमीन। ये सुपर कॉइलिंग को मैनेज करने का काम करते हैं। देयर इज अ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक पॉलीएमीन, ये आपकी सुपर कॉइलिंग को, डीएनए के साइटोप्लाज्म जो सुपर कॉइलिंग है इसको मेंटेन करने का काम करता है। और इस तरीके के डीएनए को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड और द जीनोफोर। इट इज ऑल अबाउट द डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, व्हिच आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी राइट नाउ इन द क्लास। इज इट क्लियर गाइज? सिंपल सी चीज कि भाई प्रोकैरियोट्स में तो डीएनए आपके सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट होता है। सुपर कॉइल स्टेट को मेंटेन करने का काम कौन करता है, देयर इज अ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द पॉलीएमीन। और इस तरीके के डीएनए को हम कहते हैं, दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड और द जीनोफोर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये मैं आपको डायग्राम बता दूं, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसी होती है, ठीक है? तो मैं यूकैरियोट्स की अगर बात करूं बेटा, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में पैकेजिंग जिसके थ्रू होती है, ये होती है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन लाइक हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन ही, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन ही आपके यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग में मददगार होगा। क्या होता है तो सुनिए, यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन को हम कहते हैं, द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, जो एज इट इज आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन, इट इज द न्यूक्लियोसोम। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात की ना, कि डीएनए पैकेजिंग जो है इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की मदद से हो रहा है। तो हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो बेटा पांच टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है, दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये चार टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, देखो चार, इनमें से चार जो है ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहते हैं। याद रखिए, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके जो पॉजिटिवली चार्ज एंड है ये बाहर की तरफ होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इसके हिस्टोन प्रोटीन के जो पॉजिटिवली चार्ज एंड बाहर की तरफ है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे रैप अप होगा। देखो, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड्स, हिस्टोन प्रोटीन के जो पॉजिटिवली चार्ज एंड है ये बाहर की तरफ होंगे। ये नहीं दिया इसमें, डायरेक्ट ही दे दिया क्या, लेंथ ऑफ लिंकर डीएनए, बीच की लाइन खा गए, ये इधर से इधर आ गया, ये बता देती हूँ। और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है बेटा, ये आपके इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के आसपास रैप होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या बताया कि डीएनए पैकेजिंग जो है यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन करवा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में साइड हट जाती हूँ, एक बच्चा एक सेकेंड मेरे को पानी पी लेने दो। हाँ, ये वो स्लाइड ऊपर रीच हो गई, उसमें डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में लाइसिन और आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन हिस्टोन से हो रहा है। ठीक है, हिस्टोन की बात की कि भाई पांच टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4।
अब वो कह रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसका जो पॉजिटिवली चार्ज एंड है हिस्टोन प्रोटीन के, दे आर डायरेक्टेड आउटसाइड, बाहर की तरफ होंगे। और डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये पॉजिटिवली चार्ज स्टोन के आसपास ऐसा रैप अप होता है, इट इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। इसका साइज वाइज याद करने की आपको इस तरीके से जरूरत नहीं, बस इसको हमने कहा है न्यूक्लियोसोम, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बना रहा है हिस्टोन ऑक्टोमर, ये पॉजिटिवली चार्ज स्टोन था और ये डीएनए ऐसे रैप अप हो रहा है इस नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए इस पॉजिटिवली चार्ज स्टोन के पास ऐसे रैप अप होता है, ठीक है। इसको हमने कह दिया है न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसे हमने कह दिया न्यूक्लियोसोम। बस ये हिस्टोन प्रोटीन, यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन पांच टाइप के, पॉजिटिवली चार्ज एंड बाहर की तरफ होंगे, और नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के आसपास ऐसे रैप अप होगा और एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करेगा, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। और यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन को भी हम न्यूक्लियोसोम ही कहते हैं। फिर ये बोल रहा है ये जो न्यूक्लियोसोम है ये फर्दर कॉइल होता है, और उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसोम की फर्दर कॉइलिंग से क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर के कॉन्डेंसेशन से मेटाफेज स्टेज में, सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगी आपको, उसके मेटाफेज स्टेज में इसके कॉन्डेंसेशन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसोम ये कॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, और इससे फर्दर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर एक बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस वाला क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट, जैसे मोती नहीं होते माला में इस तरीके से, ये बीड्स यानी कि मोती की माला नहीं होती, ये ऐसे ऐसे दिखाई देता है न्यूक्लियोसोम को, जो यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन है न्यूक्लियोसोम चेन जो है बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दिखाई देती है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप इसे देखोगे तो बीड ऑन स्ट्रिंग यानी कि ऐसे ही ये मोती की माला, ऐसे कि मोती बीच में ऐसे ऐसे दिखाई देता है ये, ठीक है। पैकेजिंग हायर लेवल पर इसमें कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये क्या है इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी, सॉरी। तब तक इतना जो लिखा है ना पहले इतना देख लो। हाँ जी, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हम डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की मदद से होता है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइसीन एंड आर्जिन रिच बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से होता है, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स की ही हम बात करें तो पांच टाइप है इनके, कौन कौन से हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये चार पांच टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन पॉजिटिव का जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये बाहर की तरफ डायरेक्ट, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। और डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए जो है, इट इज रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टोमर, इट इज रैप्ड अराउंड द, ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर का जो कैसे रैप अप होता है, ठीक है। फिर हमने बात की यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है बेटा, न्यूक्लियोसोम।
यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है? ये है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है, इट गिव्स बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। फिर हमने बात की कुछ ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियोसोम है ये कॉइल्ड होके क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर का कॉन्डेंसेशन होता है एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, और ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसकी कॉइलिंग से क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है, इट गेट कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज, एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, और ये आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए पैकेजिंग। इसके अलावा भी चीजें, अभी जितना पढ़ा है मैंने उसमें ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि प्रोकैरियोट्स में तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात चलिए तो भाई पांच टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन प्रोटीन के जो पॉजिटिवली चार्ज एंड है ये बाहर की तरफ होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पार्टिकल इसके आसपास रैप अप होता है, इसका रैप अराउंड इसके आसपास ऐसे रैप अप होगा डीएनए, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियोसोम की बात की, न्यूक्लियोसोम इट इज द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसे देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ रखा है, यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन से क्वेश्चन आ रखा है, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस से क्वेश्चन आ रखा है, कि आप जब न्यूक्लियोसोम को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे तो बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आ रखा है, यहां से क्वेश्चन आ रखा है। न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग से क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में कॉन्डेंस होके आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहां तक मैंने आपको लिखवा दिया। इसके बाद वो ये कह रहा था, इसके बाद यहां पे था कि हायर लेवल पर पैकेजिंग के लिए आपको कुछ और एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। अब ये इधर था, ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की जो मैंने बात की, तीन टाइप के हैं, दैट इज द स्कैफोल्ड और द स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, स्कैफोल्ड और द स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इट इज द फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एंड द रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इनका डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, बस नाम नाम याद रख लेना। ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन तीन, स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एंड द रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये तीन टाइप के हैं। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या आप ये डायग्राम देख लो, और ये इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली जो मैं आपको बता रही थी ना, ये ऐसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे मोती की तरह ही दिख रहा है ना, तो ये बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दे रखा है, ये ऐसे दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, इट गिव्स द बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दे रखा है। और ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये नेगेटिवली चार्ज, इस पे ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे रैप अप हो रहा है, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हम डिस्कस कर चुके, इट इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। नेक्स्ट मैं आपके साथ डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये डिटेल में डिस्कस करूंगी, जिसकी दो स्टेप्स होती है। ऑलरेडी लास्ट सेशन में जस्ट आउटलाइन देखा था कि पहले तो दोनों चेन्स का सेपरेशन होता है, दैट इज द अनजिपिंग या अनवाइंडिंग इसे हम कहते हैं, और फिर नई चेन का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेप। ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट डिटेल कैसे क्या होता है ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें तो जब तक सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब मैं पढ़ा चुकी है आपको, हर्शी एंड चेज तक ये सारा हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, नेक्स्ट मैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्लियर बेटा जी? जी हाँ,
आज थोड़ा भूतिया आवाज कम हुई क्या? हाँ जी बेटा, लिखो मेरे साथ सब। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा दो स्टेप्स है इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप जो है इसके अंदर, इट इज अनजिपिंग, एंड सेकेंड स्टेप जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ठीक है, ये दो स्टेप्स हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एप्लीकेशन में, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग, या फिर सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अनजिपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अनजिपिंग के बारे में, इसमें क्या होता है सुनिए। अनजिपिंग या फिर बेटा इसे हम अनवाइंडिंग भी कहते हैं। अब पहले सुनो, देन वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। अनजिपिंग में क्या होता है, ऐसे आपके जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स, ये एक डीएनए है, डीएनए इट इज मेड अप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ना, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है। तो जो सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इट टेक प्लेस इन दिस स्टेप। इसमें दोनों जो चेन के जो दो स्ट्रैंड है ये सेपरेट होते हैं। इनका सेपरेशन कैसे होगा, कैसे अलग अलग होंगे ये दोनों चेन? तो ये दोनों चेन जुड़े हुए किससे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये दोनों चेन जो है ये सेपरेट हो जाएंगी। तो सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इट टेक प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसे हम कहते हैं। अब ये कह रहा है कि जहां से ये जो दोनों चेन का सेपरेशन शुरू होता है, अनजिपिंग जहां से शुरू होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं इसे। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही इनिशिएशन पॉइंट है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि एक ही जगह से शुरू होता है। लेकिन यूकैरियोट्स की मैं बात करूं तो ये जो अनजिपिंग जो है एक साथ कई जगहों से स्टार्ट होता है, देयर अकर मेनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि अनजिपिंग स्टार्ट्स एट मेनी पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक साथ कई जगहों से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम इसमें चाहिए होता है, वो मैं आगे खैर डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जस्ट हमने इसका डेफिनेशन देखा कि इसमें हो क्या रहा है अनजिपिंग और अनवाइंडिंग के अंदर। तो क्या होता है, टू चेन्स ऑफ डीएनए, जो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दे आर सेपरेटेड, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अनजिपिंग में यही हो रहा है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से जो दोनों चेन थे, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिस जगहों से ये शुरू होता है, एंड इन इन जगहों दिस इट इज नोन द ब्रेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग
द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग या फिर अनवाइंडिंग. इट स्टार्ट्स एट, ये कुछ जगहों से स्पेसिफिक पॉइंट से शुरुआत होती है. इट स्टार्ट्स एट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स. इट स्टार्ट एट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स. इसे हम कहते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट. इनिशिएशन मतलब जहां से शुरुआत हो रही है, इनिशिएशन पॉइंट, या फिर कहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अब मैं अगर इन्हीं की बात करूं, इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो इन प्रोकैरियोट्स देयर अकर ओनली, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप, देयर अकर ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मैं बात करूं, देयर अकर बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चा, देयर अकर मैनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मतलब एक साथ अनजिपिंग या अनवाइंडिंग एक साथ कई जगहों से शुरू होती है, एक पॉइंट से नहीं, तो देयर अकर मैनी पॉइंट. तो अनजिपिंग और अनवाइंडिंग इन यूकैरियोट स्टार्ट फ्रॉम मैनी स्टार्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. अब वो ये कह रहा है, इसके बाद वो ये कह रहा है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला जो प्लेस है, एट द प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, एक्चुअली देयर इज एन एंजाइम जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज एंजाइम. ये क्या करता है, ये कट को इंड्यूस करता है इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू रिलैक्स, जिससे कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड रिलैक्स हो जाए. तो हु इंड्यूस द कट इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू रिलैक्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इट इज अ, देयर इज अ टोपो आइसोमरेज एंजाइम, इट इंड्यूस अ कट इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. और ये एंजाइम जो है, द एंजाइम विच इज मतलब कौन कौन से, तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम चाहिए जो कट को इंड्यूस कर रहा है. देयर इज एन अनदर एंजाइम दैट इज द हेलिकेज एंजाइम. इसका रोल क्या है, अब ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए की, ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम जो करता है, द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज द हेलिकेज एंजाइम. अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो ये दोनों चेन अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी. लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से बन गई तो ये दोनों चेन वापस से जुड़ जाएंगी ना. तो रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने, इसके लिए देयर इज ये कहां गया, यस हेलिक्स, एक है इसमें रीफॉर्मेशन बताऊंगी, एक है हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ये रिकॉइलिंग को बचाता है, इट प्रिवेंट द रिकॉइलिंग ऑफ टू सेपरेटेड स्ट्रैंड ड्यूरिंग, और एक अलग एक और प्रोटीन है दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बैंड और लूप्स इन द सेपरेटेड स्ट्रैंड. टोपो आइसोमरेज एंजाइम, इट इंड्यूस अ कट, देयर इज अ हेलिकेज एंजाइम जो आपके दो, जो हेलिकेज एंजाइम का काम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, एक हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है जो रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा, इट प्रिवेंट द रिकॉइलिंग ऑफ टू सेपरेटेड स्ट्रैंड, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या, इट प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और द लूप्स इन टू सेपरेटेड स्ट्रैंड. ठीक है, और डीएनए गायरेज एंजाइम है, इट ऑल्सो प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए. ठीक, इसमें लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कुछ मिनट लगते हैं और यूकैरियोट्स में कुछ घंटों के अंदर होता है. ये समझ में आया, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन द टोपो आइसोमरेज एंजाइम, इट इंड्यूस द कट, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन टू प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग, देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बैंड और लूप्स इन बिटवीन द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए.
तो ये सारे एंजाइम्स की और रिक्वायरमेंट है। वहां तक तो लिख लिया था हमने कि प्रो कैरियोट्स में दे रखकर ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इन यू कैरियोट्स दे रखकर मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब वो ये कह रहा है एट द प्लेस ऑफ ऑरिजिन एक तो आपका टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है, देर इज अ टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है बेटा, एक तो आपका टोपो आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, इट इंड्यूस कट इन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कट इंड्यूस करता है। देन देयर इज एन हेलिकेस एंजाइम, हेलिकेस एंजाइम का काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी तो वो दो दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। फिर देयर इज एन हेलिकेस डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, व्हाट डज इट डू, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। देन देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसबी, एसबी मैम के आगे एक और एस लगा दो, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। कर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, ओ बंदे यहां। हाँ जी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है बेटा, इसका काम है इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गड़बड़ हो गया, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ, लिख लेना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का काम है इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और द लूप्स इन द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड, ये हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, ये डीएनए गायरेज का भी लिख लेना, ये भी सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। ये सारी चीज हुई पहले स्टेप के अंदर, यानी कि कुल मिला के हमने जो बस मोटी तौर पर बात की, जो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तो सेपरेट कैसे होते हैं, सारे एंजाइम सारे क्लियर करा कि भाई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहां से ये प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग शुरू होता है। प्रोकैरियोट्स में देयर आर ओनली ऑरिजिन, वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन यूकैरियोट्स में देयर आर मेनी पॉइंट जहां से ये स्टार्ट होता है और एक साथ कई जगह से प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग शुरू होता है यूकैरियोट्स में एक साथ। फिर हमने बात की कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो भाई एक तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम विच इंड्यूस द कट इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिससे कि रिलैक्स हो, फिर हेलिकेस एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर आपका हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन इसकी सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज द एसएसबी प्रोटीन टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और लूप्स बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ऐसे करके ये दोनों चेन अब सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप में नई चेन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ये कैसे होता है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर, आई एम वॉचिंग योर कॉमेंट्स राइट नाउ, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, इज इट क्लियर टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। हाँ बोलो जल्दी से फटाफट से, अरे वो महाराष्ट्र गुजराती जहां से भी हो, क्लियर हुआ बेटा। चलिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन की मैं बात करूं,
टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, नई चेन को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक है, नई चेन को, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, आपको एक स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल टाइप के आरएनए को हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक, ये आरएनए प्राइमर जो है इट कैटेलाइज्ड, इसको कैटेलाइज एक एंजाइम करता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हमेशा 5-3 डायरेक्शन के अंदर ही होता है। और जैसे ही नई चेन बन जाएगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये जो आरएनए प्राइमर है बेटा ये रिमूव हो जाता है, दिस आरएनए इज रिमूव्ड। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, पहला पॉइंट तो यानी कि नई चेन को बनाने के लिए, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, एक सेकेंड यार माइक गया, हाँ जी हम बात कर रहे हैं कि नई चेन को बनाने के लिए, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल टाइप को आरएनए को हम क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप के आरएनए को आप कहते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस को कैटेलाइज करवाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हमेशा 5-3 का डायरेक्शन में होगा, और जैसे ही नई चेन बनेगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये आरएनए जो है, जो आरएनए प्राइमर जो था, ये आरएनए रिमूव हो जाता है। और क्या बोल रहा है, नई चेन के फॉर्मेशन के लिए तो आरएनए प्राइमर, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए होते हैं जो हम न्यूक्लियोप्लाज्म से लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से हम न्यूक्लियोटाइड्स को भी लेते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, देखो DATP, GTP, CTP, TTP हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या कह रहा है, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, जो दो फॉस्फेट ग्रुप है सभी न्यूक्लियोटाइड के, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो जब दो फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट होंगे सभी न्यूक्लियोटाइड के, तो इस प्रोसेस के अंदर आपका एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बनती है, और इसी एनर्जी को दिस विच इज कंज्यूम्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन, और ये जो एनर्जी यहाँ से यील्ड हो रही है, बन रही है, इसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट नहीं होता है। सो इट इज क्लियर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए डज नॉट डिपेंड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। लिखवा रही हूँ सारी चीजें, चिंता मत करो। नेक्स्ट स्टेप जो था इसके अंदर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। हमने बात की कि नई चेन को बनाने के लिए स्पेशल टाइप के आरएनए का रिक्वायरमेंट है, उस आरएनए को क्या कह रहे हैं, आरएनए प्राइमर। तो टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, नई चेन को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का आरएनए चाहिए आपको, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए। टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन अ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड। इसको हम कह रहे हैं बेटा आरएनए प्राइमर, जो स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट है ये है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन को कौन कैटेलाइज करता है, इट इज कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर इट इज कैटेलाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज। इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जैसे ही नई चेन बन जाएगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन,
आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, नई चेन के बनने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये जो आरएनए है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं नई चेन के बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। नई चेन को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। और मैंने फिर बात की कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ऐसे। मतलब हमेशा ये ट्राइफॉस्फेट के ही फॉर्म में प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब वो क्या कह रहा है कि अब क्या होता है बेटा, ट्राइफॉस्फेट के रेप्लिकेशन के दौरान जो फॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड आर सेपरेटेड। क्या बोला, व्हाट हैपन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान दो फॉस्फेट जो है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू फॉस्फेट ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड आर रिलीज्ड, तो ऑब्वियसली बात है इससे एनर्जी निकलेगी, इसकी वजह से एनर्जी यील्ड होती है। और इस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं This energy is used during DNA replication. DNA replication के दौरान इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है। So मेरे पास यहां स्पेस नहीं, मैं यहां लिख रही हूं, ये यहां लिख रही हूं इसके बाद। So it is clear that आपका जो डीएनए है ये माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं होता, अपनी डीएनए डज नॉट डिपेंड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर तो डिपेंडेंट नहीं रहता है। डीएनए डज नॉट डिपेंड अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। यहां तक की चीज समझ में आई, अब इसके आगे की राम कहानी सुनो। ये मैंने आपको बता दी, सो डीएनए डज नॉट डिपेंड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब वो कह रहा है कि एनर्जेटिकली हम देखें तो एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो अब वो क्या कह रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये दो पर्पस सॉल्व करता है, ड्यूअल है ये, ड्यूअल पर्पस। एक तो इट एक्ट एज अ सब्सट्रेट, साथ साथ दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। क्या बोला, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो पर्पस सॉल्व करता है, एक तो इट एक्ट एज अ सब्सट्रेट एंड दूसरा इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द
पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और नई चेन का जो फॉर्मेशन होता है, नई चेन का फॉर्मेशन के लिए तो सारी ये बातें कर रहे हैं हम, तो नई चेन का जो फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये हमेशा 5-2-3 डायरेक्शन में ही होता है। इस वजह से एक तो कंटिन्यूस वन चेन ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो नई चेन का जो फॉर्मेशन हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड चेन, ये सेंटर से शुरू होती है, नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, इट बिगेन्स फ्रॉम द सेंटर, नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, इसे डिसकंटिन्यूस चेन कहते हैं, जो कि छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बनी होती है। समझ में आया कि एनर्जेटिकली भाई रेप्लिकेशन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये दो पर्पस सॉल्व कर रहा है, इट एक्ट एज अ सब्सट्रेट एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। फिर हमने बात की कि नई चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5-3 स्ट्रैंड में हो रहा है, तो इससे एक चेन तो कंटिन्यूसली फॉर्म होती है, उस कंटिन्यूस चेन को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरी चेन है ये सेंटर से बनती है, ना कि फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट। ये डिसकंटिन्यूस चेन जो होती है उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि छोटे छोटे डिसकंटिन्यूस चेन होती है ये, ठीक है, इट छोटे छोटे स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का बना होता है, और इस डिसकंटिन्यूस चेन को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और अल्टीमेटली ये सारे सेगमेंट्स जुड़कर एक कंप्लीट नई चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज, लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू भी तो कहते हैं, बायोटेक में पढ़ाऊंगी, लाइगेज ये जोड़ने का काम करता है, और न्यू चेन का फॉर्मेशन जो है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये कैटेलाइज करता है, और ये अभी आगे क्या इसके बाद पढ़ूंगी, पहले इतना लिख लो। हमने बात की कि एनर्जेटिकली अगर देखा जाए तो रेप्लिकेशन जो है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है, एक तो इट एक्ट एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट भी एक्ट करता है, और एक इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ये इसका काम है बेटा। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन, ये दो काम करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। फिर हमने बात कहा कि नई चेन का जो फॉर्मेशन है ये हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन हमेशा ऑलवेज टेक प्लेस इन ये हमेशा ही आपका 5-3 डायरेक्शन के अंदर होता है। नई चेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटा ये हमेशा ही आपके 5-3 डायरेक्शन के अंदर होगा। अब वो ये कह रहा है कि इसलिए क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एक चेन तो कंटिन्यूअसली बनती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक चेन कंटिन्यूअसली बनेगी, वन चेन इज कंटिन्यूअसली फॉर्म, इस कंटिन्यूअस चेन को हम कहते हैं दिस कंटिन्यूअस चेन, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है,
और जो सेकंड चेन होती है इसकी शुरुआत सेंटर से होती है, इट बिगेन्स फ्रॉम सेंटर नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, इट बिगेन्स फ्रॉम सेंटर, शुरुआत इसकी सेंटर से बनती है, इट बिगेन्स फ्रॉम सेंटर नॉट फ्रॉम टर्मिनल पॉइंट। ये आपकी डिस्कंटीन्यूअस चेन है। ये आपकी डिसकंटिन्यूअस चेन है जो कि आपके छोटे छोटे, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसकी बनी होती है। और इस डिसकंटिन्यूअस चेन को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और मेरे पास स्पेस नहीं है, वैसे ही वर्बली आप लिख, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम, ये लिखा हुआ है देखो, द ओकाजाकी सेगमेंट दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज इसे जोड़ता है। अब वो कह रहा है नई चेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसे एक एंजाइम कैटेलाइज करता है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, न्यू चेन के फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर तीन टाइप का है डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये तीन टाइप का होता है और यूकैरियोट्स के अंदर ये पांच टाइप के होते हैं। पांच टाइप के तो सिर्फ नाम नाम पढ़ना, ए बी, ये भी करने की जरूरत नहीं, बस प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट्स में तीन टाइप का है और यूकैरियोट्स के अंदर पांच टाइप का है। प्रोकैरियोट्स में जो तीन टाइप है इनका डिटेल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंड एज आई टोल्ड यू प्रोकैरियोट्स में तीन टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। देखो नई चेन का डायरेक्शन ये बिगेन जो सेंटर पर हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होता है, 5-3 डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ये, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, इट बिगेन फ्रॉम द सेंटर नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड, और ये कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, 5-3 डायरेक्शन में ही होगा लेकिन हमेशा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया, इसलिए कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये इस एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है, इट फंक्शन एज एक्सो न्यूक्लियस, यानी कि ये इट सेपरेट द आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए, आरएनए प्राइमर को सेपरेट, एक्सो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम, ये आरएनए प्राइमर को सेपरेट करता है डीएनए से, एंड ऑल्सो फिल्स द गैप, जो गैप हुआ है ना उस वजह से, इट ऑल्सो फिल्स द गैप, इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम, इट एक्ट एज एन एक्सो न्यूक्लियस, ये डीएनए से आरएनए प्राइमर को सेपरेट करता है, एंड इट ऑल्सो फिल्स द गैप, इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें, सबसे रेप्लिकेशन प्रोसेस में सबसे लीस्ट रिएक्टिव यही होता है, इट इज लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन प्रोसेस, सबसे कम रिएक्टिव ये है। ये भी आपके डीएनए रिपेयरिंग में ही हेल्पफुल है, जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड नहीं होता तब, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डीएनए रिपेयरिंग इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी नहीं, तो डीएनए पॉलीमरेज टू जो है इट हेल्प इन द रिपेयरिंग प्रोसेस। लिख लो पहले इतना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन जो है इट इज कैटलाइज बाय एन एंजाइम, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इट इज कैटलाइज बाय डीएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में तो ये तीन टाइप के हैं,
और यूकैरियोट्स के अंदर ये पांच टाइप के हैं। सबसे पहले मैं प्रोकैरियोट्स के तीन टाइप के बात कर रही हूँ, दैट इज डीएनए। ये प्रोकैरियोट्स के तीन टाइप है, डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया, इसलिए इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये याद हो जाए तो ठीक है, तो चलेगा। कॉर्नबर्ग एंजाइम ये एज एन एक्सोन्यूक्लियस एक्ट करता है, इट एक्ट एज एन एक्सोन्यूक्लियस। इट एक्ट एज एन एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर को बेटा डीएनए से सेपरेट करता है। इट सेपरेट द आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए, ठीक है। ये गैप को भी फिल करता है, इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। इट ऑल्सो फिल्स द गैप, एक्सोन्यूक्लियस की तरह कर रहा है। इट ऑल्सो फिल्स द गैप, जैसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। डीएनए रिपेयर एंजाइम, ये सारी चीजें। पहला टाइप दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज टू के बारे में। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज टू। लीस्ट रिएक्टिव होता है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर, इट इज लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। सबसे कम रिएक्टिव एंजाइम यही है, लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसका काम क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रिपेयरिंग इन एब्सेंस ऑफ आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के एब्सेंस में। ये भी आपके डीएनए रिपेयरिंग में हेल्पफुल है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? डीएनए पॉलीमरेज टू जो है लीस्ट रिएक्टिव है रेप्लिकेशन प्रोसेस में। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड दोनों नहीं होते तो उस केस में इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डीएनए रिपेयरिंग, ठीक है। लास्ट जो है वह है डीएनए पॉलीमरेज थ्री। डीएनए पॉलीमरेज थ्री की बात करें, दिस इज द मेन एंजाइम इन द डीएनए रेप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मेन एंजाइम यही है। लार्जर चेन जो है इट इज फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम, इसे रेप्लिकेस भी कहते हैं, ठीक है। इसे रेप्लिकेस भी कहते हैं, बस दैट्स इट। मेन एंजाइम जो है डीएनए रेप्लिकेशन में ये यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। इसे डीएनए रेप्लिकेस भी कहा जाता है। यूकैरियोट्स में पांच टाइप है, इनका डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाम नाम याद रख लो, ए बी जी डी एंड ई, बस दैट्स इट। इट इज ऑल अबाउट द mechanism of DNA replication. Now let me know in the comment box. Is it clear to all my dear and lovely student? Say yes in the comment box. फिर इसके आगे की चीजें हम देखेंगे। Is it clear बच्चा? हाँ बोलिए जी। चलिए माइक प्रॉब्लम कर रहा है। कंपैरेटिवली कम होगा ना, मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया और आज शाम को मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगी मेरी टीम के साथ। फिजियोलॉजी कब स्टार्ट होगा आप बताइए, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर लेते हैं, ह्यूमन करना है या फिर, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं शुरू कर रहे, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। क्विक रिकैप, आज जो भी पढ़ा है क्विक रिकैप इसका हम ले लेते हैं जल्दी से, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आज पूरी क्लास में जो कुछ भी पढ़ा। उससे पहले
भाई 2021 2022 जिन भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का टारगेट ईयर है, अरे यार ये माइक, 2021 2022 जिन भी बच्चों का टारगेट ईयर है, नए बैचेस शुरू हुए हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म को प्लस जो कि पेड प्लेटफॉर्म है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं वाया यूजिंग माई कोड जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। और अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हैंड रिटन शॉर्ट नोट, DPP, क्वेश्चन बैंक, मेरा मेंटरशिप, यू कैन बी द पार्ट ऑफ सुपर 80, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी स्टडी मटेरियल, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके, और 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो सब्सक्रिप्शन लेने में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर, दिस इज माई हेल्पलाइन नंबर 9549406721, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर फॉर द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज, ठीक। चलिए शुरू करेंगे, अब हम एक क्विक रिकैप इसका लेंगे आज। आज हम लोगों ने, चलो पहले मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बता देती हूँ, फिर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात की बेटा, तो हमने पढ़ा कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप तो है अनजिपिंग या अनवाइंडिंग, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अनजिपिंग की बात करें तो अपन को पता है ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ दिस टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये दोनों चेन जो है ये आपस में सेपरेट होंगी, तो कैसे होंगी, तो अनजिपिंग का मतलब ही होता है द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इसको अनजिपिंग या अनवाइंडिंग कहते हैं। अब ये दोनों चेन जुड़ी हुई किससे थी, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों चेन सेपरेट हो जाएंगी। अब वो कह रहा है जो दोनों चेन जो सेपरेट होती है ना, तो जिस जगह से प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग शुरू होता है, यानी कि इन दोनों चेन का रिलैक्स होना, अलग होना शुरू होता है, उनको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर कहिए इनिशिएशन पॉइंट। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर देयर आर मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि एक साथ कई जगहों से शुरू होता है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर हमने इसमें बात की कि कैसे कैसे क्या होता है, तो हमने बात की कि भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह पर एक टोपो आइसोमरेस एंजाइम होता है विच इंड्यूस द कट इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, देन देयर इज एन हेलिकेस एंजाइम जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, देन देयर इज एन हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन जो कि दो सेपरेट स्ट्रैंड को रिकॉइलिंग से रोकेगा, देन देयर इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसका काम क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इसको रोकेगा, और डीएनए गायरेज एंजाइम इट ऑल्सो प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से दो चेन सेपरेट होती हैं। फिर हमने बात की कि नई चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने देखा कि नई चेन के फॉर्मेशन के लिए आपको एक स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल टाइप को आरएनए को हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है, इट इज आरएनए पॉलीमरेज, और जैसे ही नई चेन का फॉर्मेशन होगा ये आरएनए रिमूव हो जाता है, ठीक है। और नई चेन के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स सही होते हैं विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ATP, GTP, CTP मतलब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, टू फॉस्फेट ग्रुप इससे रिलीज होते हैं, दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे तो एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी यूज करता है डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि डीएनए जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, लेकिन रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये दो पर्पस सॉर्ट आउट करता है, एक तो इट एक्ट एज अ सब्सट्रेट, दूसरा इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। फिर हमने बात की कि नई चेन का जो फॉर्मेशन होता है ये हमेशा 5-2-3 डायरेक्शन के अंदर ही होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक चेन का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है, इस कंटिन्यूस चेन को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो सेकंड चेन है उसकी शुरुआत सेंटर से होती है, टर्मिनल पॉइंट से नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूस चेन है जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट से मिलके बनी होती है, इस डिसकंटिन्यूस चेन को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से इन्हें आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। फिर हमने बात की कि आपके जो नए चेन का फॉर्मेशन में एप्लीकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल है,
प्रोकैरियोट में तीन टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यूकैरियोट के अंदर पांच टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट की हम बात करें तो इसे कॉनवर्ग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसका काम क्या है, ये एक्ट एज एन एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि ये डीएनए से आरएनए प्राइमर को सेपरेट करता है एंड इट ऑल्सो फिल्स द गैप, तो इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉनबर्ग एंजाइम कहा, डीएनए रिपेयर एंजाइम कहते हैं, और ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है, यानी कि इट सेपरेट द आरएनए प्राइमर फ्रॉम द डीएनए। फिर हमने बात की डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की, लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड दोनों नहीं होंगे तो इनके एब्सेंस में ये डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होता है। और डीएनए पॉलीमरेज थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्टिव एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसे हम रेप्लिकेस एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, हमने वो पढ़ा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कहीं तो सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी, आने से पहले ही जा चली जाएगी। हमने सोचा ना था ये कैसे क्या हुआ, चल पड़े हैं फिक्र यारा धुएं में उड़ा के। हाँ जी सुनिए, डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो हमने बात की भाई कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो टोटल बेस पेयर कितने और उनको दो बेस पेयर के बीच में जितना डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको लेंथ पता लग जाएगा एक मैमेलियन सेल के डीएनए का कितना है। इट इज अराउंड 2.2 मीटर, विच इज दिस डायमेंशन इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस जिसके अंदर हम इसे पैक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो कैसे इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में पैक किया जाता है। तो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स को हमने डिस्कस किया था। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमने बात की थी कि भाई प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए सुपर कॉइल स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट है। और ये सुपर कॉइलिंग स्टेट को मेंटेन कौन करता है, देयर इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पॉलीअमीन, ये सुपर कॉइल स्टेट को मेंटेन करता है। और इस तरीके के दिस पैक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, या फिर कह दीजिए जीनोफोम। कुल मिला के प्रोकैरियोट में डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर सुपर कॉइल स्टेट में प्रेजेंट है। सुपर कॉइलिंग को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सुपर कॉइलिंग को मेंटेन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कर रहे हैं लाइक पॉलीअमीन्स। और इस तरीके के डीएनए को हमने कह दिया न्यूक्लियोफो या न्यूक्लियोइड, या फिर कह दो जीनोफो। नेक्स्ट हमने बात की डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर बात की तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग का काम होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन करवाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात चली तो पांच टाइप के हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज एंड जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द आउटसाइड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड बाहर की तरफ है हिस्टोन प्रोटीन के। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इस पॉजिटिवली चार्ज एंड पर ऐसा रैप अप करता है, ठीक है। यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियोसोम, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसोम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है। फिर न्यूक्लियोसोम जो है इससे आपके इसकी कॉइलिंग से क्रोमेटिन फाइबर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका कॉन्डेंसेशन होता है मेटाफेज स्टेज के अंदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और ये क्रोमेटिन फाइबर के कॉन्डेंसेशन से आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, दैट इज अबाउट द डीएनए पैकेजिंग इन द यूकैरियोट्स, ये भी सारा मैं आपको। और इसके अलावा हायर स्टेज में मैंने बताया कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो तीन टाइप के हैं, सिर्फ नाम नाम
स्कैफोल्ड और द स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एंड द रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. इट इज ऑल अबाउट दिस टुडेस सेशन. इट इज ऑल अबाउट दिस. इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बच्चा? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये चैप्टर हम लोग खत्म नहीं, आज का सेशन हमारा हो चुका है. तो यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर आज शाम 7 बजे जो सेशन होगा बेटा, इसके अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे. ये पूरा पढ़ा चुकी ना मैं आपको, एविडेंस हो गया, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही गया था. एक तो जेनेटिक कोड रहता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तक तो हो गया. स्प्लिट जीन भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद स्प्लिट जीन आता है, वो आरएनए में ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुकी. आरएनए पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, आरएनए पढ़ लिया मैंने. ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आरएनए पढ़ा दिया, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट. ट्रांसक्रिप्शन रहता है, ये मैं आज आपकी क्लास में डिस्कस कर लूँगी, छोटा सा टॉपिक है ये तो. ट्रांसक्रिप्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ाया है मैंने. स्प्लिट जीन ऑलरेडी हो गया और फिर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे. ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ये मैं आज शाम 7 बजे वाले सेशन में कराऊंगी. ऑलमोस्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर दें, थोड़ा लंबा क्लास लेके, ठीक है. तो मेक इट श्योर आप शाम 7 बजे मुझे मिल रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट इज ऑल अबाउट माई टूडे सेशन. शाम को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, इन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आज इसे खत्म करने की 13 तारीख को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका खत्म हो जाएगा. तब तक मैं जेनेटिक्स पर टेस्ट लेने जा रही हूँ. इसके क्या बोलते हैं, लिंक मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी. अभी पब्लिश नहीं किया है मैंने, बट मैं आपको अनाउंस कर रही हूँ, मैं पब्लिश कर दूंगी, ठीक है. आप आज रात को मेरा टेलीग्राम चेक कर लेना. रात को मैं टेलीग्राम पर 11:30 तक मैं पब्लिश कर दूंगी, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगी. और मेरी स्पेशल क्लासेस कोई मिस ना हो आपसे, जो फ्री होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, विच गिव्स यू द ग्लिम्स ऑफ आवर प्लस प्लेटफॉर्म, आप मुझे यहाँ फॉलो कीजिए unacademy.com@shivani1990 पर और गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो बेटा. इसके लिए फ्री क्लासेस होती है, जस्ट आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए. और अगर आप मेरे पर्सनलाइज मेंटरशिप में पढ़कर अपना 2021 या 2022 की जर्नी को तय करना चाहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लेटफॉर्म वाई यूजिंग माई कोड विच इज माई नेम, दैट इज द शिवानी. इससे सिर्फ आपको डिस्काउंट ही नहीं मिलता, फीस पर 10% का डिस्काउंट तो मिलता है. आप मेरा मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे, DPPs मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक, उनका एनालिसिस होता है, और स्टडी मटेरियल फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिलेगा, सिर्फ बायो में नहीं, मेंटरशिप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिलेगी. यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपरिटीज. मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो रिविजन में बहुत हेल्पफुल होंगे वो मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. थ्रू आउट द ईयर आई विल गाइड यू अबाउट योर नीट जर्नी की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, डेली टारगेट्स होते हैं, बैक पोर्शन के टेस्ट लगते हैं, बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जो आप इस कोड को अप्लाई करके उठा सकते हैं. और फिर भी कोई दिक्कत आए सब्सक्रिप्शन लेने में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर. दिस इज द 9549406721. दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर विच इज एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज. इसके अलावा कोई और डाउट यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाता है. थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट. शाम 7 बजे मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय बच्चों.